got this idea of making a film Lucha and there too about sex education? सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में भी नहीं था इस सेक्स एजुकेशन के बारे में कभी मैं फिल्म बनाऊंगा. जो हमारे राइटर है सुजीत कुमार वो मेरे पास आए थे कि इस टाइप की एक फिल्म है लेकिन वो डिफरेंट सेक्स एजुकेशन के ऊपर हर तरह की फिल्म बनती है बट वो कहते हैं ना और लाउड तो सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाने का मतलब एक ही था. रेडी? सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाने का मतलब एक ही था कि हमें कुछ दिखाना है कि एक मैसेज प्रोवाइड करना है लोगों को कि किस तरह आजकल के सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो अलग तरह से हम लोग वल्गैरिटी नहीं दिखा रहे. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है फिल्म का कि हम लोग कोई वल्गैरिटी नहीं दिखा रहे. एक सिंपल तरीके से एक लड़के के ऊपर जो हरियाणा से कॉलेज में नहीं मुंबई हम लोग वो जगह अभी रिवील नहीं करेंगे कि जहाँ पे वो पढ़ने के लिए आता है हॉस्टल में आता है फिर वहाँ से किन चीज़ों को उनको उसको फेस करना पड़ता है उसकी उसके बाद वो डीपली किस चीज़ों में जाता है वो चीज़ भी मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि सेक्स एजुकेशन में एक्चुअली मैं क्या दिखा रहा हूँ ये मैं नहीं रिवील कर रहा हूँ. ये सबसे बड़ा मुद्दा इम्पोर्टेंट है इसमें. और ये लड़का जैसे आता है फिर वो डीपली कैसे उस चीज़ में घुसता है और उसके बाद वो किस किस चीज़ों को फेस करने लगता है ये सबसे बड़ी कहानी है फिल्म की. लेकिन हम लोग इससे एक ही चीज़ बता रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चों के हर बच्चों के पास मोबाइल से लेकर हर चीज़ है इंटरनेट से लेकर हर चीज़ है. वो हर कोई वो साइट्स देखते हैं लेकिन उनके दिमाग में क्या चलता है वो हम लोग प्रॉपरली नहीं बता सकते. फिर उसके आगे जाके उनकी हेल्थ पे क्या रिएक्शन होगा क्या होगा इसके ऊपर पूरी फिल्म है. इसलिए हमने क्या किया इस फिल्म को लेकर हमने एक ही चीज़ की हमने सारे डॉक्टरों के पास जाके इसकी पूरी सलाह ली उनके सजेशन लिया कि इससे क्या हो सकता है. अभी भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि किससे क्या हो सकता है वो नहीं बता रहा हूँ. सबसे बड़ी बात इससे क्या हो सकता है हमने सलाह ली और उनसे प्रॉपरली गाइडेंस लेके ही इसके डायलॉग्स लिखे गए आगे के प्रोसीजर और इस तरह ये पूरा प्रिपरेशन होगा. सबसे बड़ी बात इस फिल्म में ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन है. एक कैरेक्टर बेस पे फिल्म है. सबसे बड़ी बात इसका सब्जेक्ट ही हीरो है. और हमें ऐसा लड़का चाहिए था इस फिल्म में जिसमें हमने प्रॉपरली इसको ढूंढा भी हमने बहुत सारे ऑडिशंस लिए इस फिल्म के बट मुझे उस तरह का लड़का मिला नहीं. फिर रोड्रीज जो एमटीवी का शोज है जहाँ पे हमें राकेश जी मिले हमने उनका प्रॉपरली ऑडिशंस लेके कि एक सनकी लड़का जो चाहिए इसमें कि एक सनकी लड़का जो प्रॉपरली इसको उस तरह की एक्ट कर सके सबसे बड़ी बात वो हमें चाहिए था. और उन हमने प्रॉपरली ऑडिशन लेके उनको लिया क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के लिए कोई मार्केट का आर्टिस्ट चाहिए मार्केट का ही क्योंकि ये हीरो बेस्ड फिल्म है ही नहीं. सबसे बड़ी बात ये फिल्म का सब्जेक्ट ही हीरो है इसलिए हमने वो किया. गुरलीन जी को कास्ट करने का मतलब एक ही था एक मैच्योर्ड फेस हमें चाहिए था. सबसे बड़ी बात शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और उन्होंने मुझे जिस तरह इनका भी ऑडिशंस लिया गया हमने प्रॉपरली इनका भी एक ऑडिशंस लिया उससे हमें पता चला कि ये उस कैरेक्टर को बिल्कुल मैच कर रही है. एक टोटली नॉटी एक गांव वाली लड़की का कैरेक्टर है इसमें जस्ट लाइक एक चुलबुली लड़की. लेकिन उसका मतलब क्या है सेक्स एजुकेशन के एक गांव वाली लड़की का क्या मतलब है यही हम लोग दिखा रहे हैं कि आजकल गांव से लेके शहर तक ये चीज़ हर जगह पहुंचनी चाहिए सेक्स एजुकेशन पहुंचना चाहिए यही हम लोग दिखा रहे हैं. प्लीज मे एंड या फिर जून फर्स्ट वीक हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं. हम लोग शूटिंग आउटडोर कर रहे हैं काठमांडू शूट कर रहे हैं इस फिल्म को बेटरली और हम लोग रिलीज अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका प्लान चल रहा है टोटली. सर मैं इसके अलावा 3-4 और मूवीज़ कर रही हूँ लेकिन आज हम लुच्चा के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छी बात है. मेरी ऑलरेडी 4 फिल्में फ्लोर पे हैं और एक की ऑलरेडी शूटिंग चल रही है गुड़गांव में. मैं छोड़ के आज आफ्टरनून फ्लाइट से आई हूँ. कल इसका मुहूर्त बहुत डिफरेंट लगा. सब कुछ इसमें डिफरेंट है. विकास जी इज़ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर जिनके साथ पहली बार मैं काम कर रही हूँ. जैसे उन्होंने मुझे नरेट की तो तभी पता चल जाता है. बोलते हैं ना होनहार विद्यार्थियों के हो चिकने पात तो जिन लोगों ने बहुत आगे जाना होता है उनसे पहले ही पता चल जाता है. एंड सेकेंडली प्रोड्यूसर फीमेल है
ये और भी अच्छी बात है. और पहली बार मैंने फीमेल प्रोड्यूसर फीमेल देखे हैं, एंड राकेश जी हैं, योगेश जी हैं, योगेश जी काफ़ी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. सो ये टीम जो है ना सर, बहुत पंचुअल है, बहुत डिसिप्लिन टीम है. मतलब हर चीज़ के पीछे पड़ना, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए. तो जैसे मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ कि नहीं यार सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो दिस टीम इज़ रियली परफेक्ट एंड नेम इज़ वेरी गुड एंड सब्जेक्ट इज़ रियली न्यू. आई होप ये सबको पसंद आने वाला. और मेरा जो रोल है मूवी में, इट्स कैसे मूवी में टर्निंग पॉइंट होता है, कैसे मूवी चेंज होती है और कैसे क्लाइमेक्स में क्या होता है, इट्स रियली अमेजिंग रोल फॉर मी. सॉरी, जैसे मैं बाकी मूवीज कर रही हूँ उससे टोटली ये डिफरेंट रोल है. एंड ये तो डायरेक्टर के, जी जी, डायरेक्टर के लिए चैलेंजिंग है कि एक मॉडर्न लड़की को कैसे गाँव वाली लड़की दिखाना है. एंड सर, इफ़ यू आर गुड एक्टर, मैं आई थिंक तुम्हें कोई भी रोल दिया जाए आप उसको कर लेते हो. लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेक्स में पता चलता है वो लड़की कौन है. सो डायरेक्टर ने जो चॉइस की होगी तो आप भी बोलेंगे कि यस सर, आपने बहुत अच्छी चॉइस की है. चुलबुली रोल भी है और दूसरा रोल भी है. अच्छा रहेगा. ऐसा कुछ नहीं है सर, ये नीट एंड क्लीन मूवी है एकदम से. आप देखेंगे तो आपको लगेगा मेरी स्टोरी है, आप देखेंगे तो लगेगा मेरी स्टोरी है. हर यूथ को अपनी स्टोरी लगेगी. आजकल कल का जो यूथ है, जो कर रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर पिक्चर बनाई जा रही है और वो दर्शाया जा रहा है थिएटर्स में, मूवी में. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस, हर इंसान को ये अपने रिलेट मूवी लगेगी. इस मूवी में एक चीज़ ऐसी है, आई थिंक वो हर कोई करता होगा.